इंस्टाग्राम की थ्रेड्स है जिसका नाम आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप लोगों ने अभी तक इसका नाम सुन ही लिया होगा। तो आज बात करेंगे इसके बारे में, इसकी कुछ प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे, इसकी प्राइवेसी की सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, इसके जो फीचर्स हैं उनको थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे ट्विटर के साथ में, और ये भी बात करने वाले हैं कि जो एलन मस्क है वो केस करने वाले हैं ट्विटर पे। तो काफी कुछ नॉलेजेबल होने वाला है आपके लिए थ्रेड्स ऐप के रिगार्डिंग। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं ना आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप लोग को थ्रेड्स ऐप को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बात और कि थ्रेड्स ऐप में आप रील्स भी अपलोड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भाई रील्स का ऑप्शन तो कहीं भी नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि थ्रेड्स ऐप में कैसे लोग रील्स भी अपलोड कर रहे हैं। बात करेंगे इस बारे में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले तो यार आप लोग को ये बता दूं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वॉइस के साथ में, क्योंकि यार मेरा जो माइक है वो खराब हो गया ना, कुछ प्रॉब्लम्स में आ गई है जिस वजह से उससे आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही, किसी दूसरे माइक से हो रही है, बल्कि माइक भी नहीं है, एक ईयरफोन है उसके थ्रू मैं आवाज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसे आप तक आती हो या थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप लोग कर लेना, कोशिश करूंगा कि एडिटिंग करके कैसे भी अच्छे से अच्छी आवाज आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहली बात ये कि एलन मस्क जो है मार्क जुकरबर्ग पे केस करने के लिए बोल रहे हैं। भाई ट्विटर ये बोल रहा है कि हम केस कर देंगे मार्क जुकरबर्ग पे, यानी कि उनके थ्रेड्स ऐप पे। उनका कहना ये है ट्विटर वालों का कि इन्होंने हमारा जो है ट्विटर का जो एप्लीकेशन है उसको चोरी किया, या फिर जो हमारा जैसा ट्विटर बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया है। इस वजह से वो बोल रहे हैं कि हम केस करने वाले हैं ट्विटर पे, और हम केस कर सकते हैं ट्विटर पे। ऐसा नहीं बोला कि करने वाले, बल्कि ये बोला कि हम केस कर सकते हैं कि आपने हमारे बिल्कुल चीटिंग की है और हमने हमारा कॉपी बिल्कुल आपने कर लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि चीटिंग तब मानी जाती है जब उसका कोई सोर्स कोड, जो कोड होते हैं इनके एप्लीकेशन के, अगर ट्विटर का सोर्स कोड पाया जाता है थ्रेड्स के अंदर तो आप चीटिंग मान सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी ने देख के उस एप्लीकेशन को ऐसा बना दिया तो ये चीटिंग बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। हालांकि यहाँ पे झटका जरूर लगा है एलन मस्क को, क्योंकि एक दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो गए थ्रेड्स ऐप के। देख रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है, 5 करोड़ से ज्यादा यूजर वर्ल्ड वाइड, यानी कि 100 कंट्रीज में लॉन्च किया गया था एक साथ थ्रेड्स ऐप को, और इन 100 कंट्रीज के मिला के 5 करोड़ से ज्यादा यूजर हो चुके हैं 24 घंटे के अंदर, तो एक बहुत बड़ी बात है। और इतना यूजर बेस मिलने का कारण सिर्फ एक है, वो है इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम के थ्रू इसको प्रमोट किया गया था और इंस्टाग्राम के थ्रू ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इंस्टाग्राम का जितना भी यूजर बेस था ना मेटा का, वो सारा का सारा ट्रांसफर हो गया थ्रेड्स एप्लीकेशन में, जिस वजह से इनका यूजर बेस एकदम से बहुत ज्यादा निकल के आया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो भाई आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो ट्विटर का एक्टिव यूजर बेस है 40 करोड़ है, आप देखेंगे इसको बहुत जल्द पार कर लेगा थ्रेड्स, आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करें थ्रेड्स ऐप के फीचर्स की, तो अगर आप कंपेयर करने जाएंगे यहाँ पे ट्विटर से, तो भाई फीचर बहुत ही ज्यादा कम है। कुछ बेसिक से फीचर दिए गए, लेकिन जैसे स्टार्टिंग है तो उस हिसाब से फीचर्स ठीक ठाक है, ज्यादा कम भी मैं इसको नहीं बोलूंगा। और इंस्टाग्राम की टीम ने यह बताया, क्योंकि इंस्टाग्राम की टीम ने ही बनाया थ्रेड्स ऐप को, तो उन्होंने ये बोला कि बहुत जल्द इसके अंदर नए फीचर एड्स करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि फीचर नहीं आएंगे, बल्कि और बेहतरीन फीचर इसके अंदर आएंगे। जो ट्विटर के अंदर फीचर है ना वो आपको देखने के लिए मिली, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बात करें अभी के फीचर्स की, तो आप अभी के टाइम पे 500 करेक्टर का टेक्स्ट को लिख के पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि ट्वीट कर सकते हैं, जिसको थ्रेड बोला जाता है, थ्रेड कर सकते हैं। और यहां पे आप लोग फोटो को अपलोड कर सकते हैं, यहां पे आप वीडियो अपलोड कर सकते हो 5 मिनट तक की। और यहां पे अब कुछ चीज है भी नहीं इसके अंदर, जैसे कि हैशटैग, अभी हैशटैग वाला चीज इसके अंदर है नहीं, तो आप हैशटैग नहीं यूज कर सकते इसके अंदर, हैशटैग वाला कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर। ट्रेंडिंग सेक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो कुछ चीजें हैं जो नहीं मिलेंगी। और साथ में रैंडमली फीड, यानी कि आपकी जो फीड इसके अंदर आती है वो रैंडमली आती है, ऐसा नहीं कि जिसको आपने फॉलो किया है या फिर जो आप पसंद करते हो उसके रिलेटेड चीज आएंगी, बल्कि रैंडमली कुछ भी फीड इसके अंदर आपके सामने आ जाती है। तो फिलहाल तो अभी इसका एल्गोरिथम ऐसे ही काम कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर रैंडमली फीड ना आए, जो आपको पसंद है या फिर जो आप देखते हैं वो वाली फीड आपके सामने आए। फॉर यू वाला भी इसके अंदर कोई सेक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था ना भाई कि इंस्टाग्राम रील्स के बारे में, कि इंस्टाग्राम रील्स में यहाँ पोस्ट कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए हो ये रहा है कि लोग अपनी आईडीज बना रहे हैं, कुछ लोग फेक आईडीज भी बना रहे हैं, और उनको फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि थ्रेड्स एप्लीकेशन आपको 5 मिनट तक की वीडियो अपलोड करने का मतलब फीचर देती है। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी जो रील्स हैं या फिर दूसरों की रील्स उठा के, जो फेक अकाउंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि दूसरों की रील्स उठा के या फिर कुछ लोग अपनी ही रील्स यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं भाई। और रील्स पोस्ट करने के बाद वो नॉर्मली चलती भी है, ऑडियो भी आती है, सब चीज़ होती है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको रील दिख जाएगी, ऑडियो हालांकि उसकी बाय डिफॉल्ट म्यूट होती है, आप कोने में क्लिक करके ऑडियो ऑन कर सकते हो, या फिर पूरी अगर वीडियो पे क्लिक करोगे तो पूरी एकदम से जैसे रील चलती है ना उस तरीके से चलने लग जाती है। तो यहाँ पे लोग वो पोस्ट कर रहे हैं, और भाई कमाल की बात यह है कि उन पर लाइक्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं, और लोग उनको वापस से जैसे रीट्वीट करते हैं, वापस ऐसे रीथ्रेड कर रहे हैं इसमें, तो काफ़ी सारा एंगेजमेंट भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही, चल भी रही है। तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी शॉर्ट्स अपलोड करनी स्टार्ट कर दूँ मैं इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे भी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या मैं भी स्टार्ट कर दूँ दोबारा से। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम थ्रेड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, फिर यूज़ करने वाले, तो अपने भाई को टेक एंड रोहित के नाम से फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं प्राइवेसी की। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मेरे व्यूअर ने बोला था कि भाई इसकी प्राइवेसी के बारे में बताओ कि प्राइवेसी क्या क्या है इसके अंदर, और कैसे हम इस एप्लीकेशन के अंदर प्राइवेसी को सेट कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स इसमें हमको मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं चलिए इसके बारे में। तो चलते हैं फोन की स्क्रीन पे।
सो गाइस हम लोग आ चुके हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। आपके सामने थ्रेड्स एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी, यहाँ स्क्रीन पर साइड में देख सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में साइन अप प्रोसेस मैंने पूरा बताया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। साइन अप आप देखना चाहते हैं कि कैसे करना, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज अकाउंट क्रिएट करना बड़ा ईजी है, अगर आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो उसके थ्रू आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आने वाला है। मेरे अकाउंट इसमें ऑलरेडी लॉगिन है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम प्राइवेसी के बारे में इसमें। तो देखिए प्राइवेसी के लिए सबसे पहले आपको नीचे अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे आप प्रोफाइल वाले सेक्शन में यहाँ पे चले जाएंगे तो प्राइवेसी के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पे कोने में भी जा सकते हैं, टॉप में लेफ्ट साइड में। और अगर आपको सेटिंग के थ्रू जाना तो ऊपर आप टू लाइन्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपके सामने प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से भी प्राइवेसी में जा सकते हैं। अब यहाँ पे फीचर क्या क्या, पहले तो प्राइवेट प्रोफाइल, अगर आपको अपने प्रोफाइल को प्राइवेट करना है, आप चाहते हैं कि किसी को पोस्ट वगैरह आपकी ना दिखे, तो आप इसको सिंपली क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली अप्रूव फॉलोवर्स विल बी एबल टू सी, यानी कि जिन फॉलोवर्स को आप अप्रूव वगैरह करेंगे ना वही आपकी पोस्ट वगैरह देख पाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं देख पाएगा। तो आपकी मर्जी, आप प्राइवेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशंस के अंदर क्या है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मेंशंस अलाउ मेंशंस फ्रॉम, तो यानी कि जो लोग मेंशन करते हैं @ लगा के, मान लीजिए कोई अपनी पोस्ट में आपको मेंशन कर रहा है, चाहे वो किसी रीजन के लिए कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी मेंशन ना कर पाए तो आपको नो वन करना है। प्रोफाइल यू फॉलो, यानी कि जिनको आपने फॉलो किया सिर्फ वही मेंशन कर पाए तो वो कर सकते हैं। एवरीवन का मतलब यह है कि कोई भी आपको मेंशन कर सकता है, तो इसको आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एवरीवन किया हुआ है। उसके बाद में नीचे म्यूटेड का ऑप्शन, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो म्यूटेड के अंदर क्या आएगा वो चलिए देख लेते हैं। म्यूटेड के अंदर अभी कुछ नहीं दिखा रहा, म्यूटेड के अंदर शायद वो होगा कि जिन लोगों को म्यूट कर दूंगा, जिनकी प्रोफाइल्स को म्यूट कर दूंगा तो उनकी नोटिफिकेशन या उनकी कमेंट्स वगैरह मुझे शो नहीं होंगी। अभी तक मुझे लग रहा है यही ये फीचर काम करने वाला है। नीचे ऑप्शन आता है हिडन वर्ड्स का, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो यार ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल है। ये काम कैसे करता है, देखिए सबसे पहले ऊपर है ऑफेंसिव वर्ड्स एंड फ्रेज, यानी कि ऑफेंसिव वर्ड्स वगैरह जो होते हैं ना, जो लोग कमेंट्स वगैरह करते हैं या फिर आपके ट्वीट को यानी कि आपके थ्रेड को रीथ्रेड करते हैं, तो वहां पे अगर जो भी कुछ लिखते हैं तो ऑफेंसिव वर्ड्स और इमोजीज को पहले से ही इसने ऑन किया हुआ है इंस्टाग्राम ने, बाय डिफॉल्ट आप इसको ऑन ऑफ अपने तरीके से कर सकते हैं। नीचे कस्टम वर्ड्स एंड फ्रेज, अब यहाँ पे ये ऑफ है। कस्टम वर्ड्स एंड फ्रेज के अंदर क्या है कि मान लीजिए आप लोग चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा वर्ड कोई लोग गाली देते हैं, कुछ ऐसा गलत वर्ड लिख देते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कमेंट में या फिर जो आप थ्रेड कर रहे हो पोस्ट वो रीथ्रेड करने में, मतलब कैसे भी कोई रिप्लाई में भी गलत वर्ड यूज ना करे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑन करना है। ऑन करने के बाद नीचे आपको मैनेज कस्टम वर्ड्स एंड फ्रेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो वाले वर्ड्स डाल देने हैं कोमा लगा के जिनको आप ब्लॉक करना चाहते हैं। तो वो वाले वर्ड अगर कोई लिखता भी है ना तो वो कमेंट में या रिप्लाई में कहीं पर भी नहीं लिख सकता, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपके प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप उन वर्ड्स को लिख सकते हो, आपने एक वर्ड लिखा या एक पैराग्राफ लिखा उसके बाद आपको कोमा लगा देना सेपरेट करने के लिए, फिर आप दूसरा लिख सकते हो। तो इस टाइप से आपको कर सकते हो और इस सेटिंग को अपने हिसाब से ऑन ऑफ रख सकते हैं। तो काफी कमाल का और अच्छा फीचर लाया है वैसे इंस्टाग्राम थ्रेड्स एप्लीकेशन में। प्रोफाइल एंड फॉलो में अगर आप जाओगे यहाँ पे आपको वो दिखेगा जिनको आपने फॉलोइंग किया हुआ या जो फॉलो वगैरह है, तो यहाँ पे आई थिंक ब्लॉक अनब्लॉक वाला सीन होगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब। ठीक है, और अदर प्राइवेसी सेटिंग, तो इसमें कुछ प्राइवेसी सेटिंग ऐसी हैं जैसे कि लिखा हुआ है कि सम सेटिंग्स लाइक रिस्ट्रिक्टिंग अप्लाइंग टू बोथ थ्रेड्स एंड इंस्टाग्राम एंड कैन बी मैनेज बाई इंस्टाग्राम, यानी कि कुछ सेटिंग ऐसी हैं जो कि थ्रेड्स और इंस्टाग्राम की मर्ज है, यानी कि इंस्टाग्राम में ही आप कर सकते हैं जैसे कि रिस्ट्रिक्शन वगैरह, तो आप वो वहाँ के थ्रू कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके इंस्टाग्राम में, तो ये वाली सेटिंग हम वहाँ से कर सकते हैं। नीचे ब्लॉक का ऑप्शन है, यानी कि जिन लोगों को आपने ब्लॉक वगैरह किया होगा वो आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगे ब्लॉक अकाउंट्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे किसी को ब्लॉक नहीं किया, इसलिए नहीं शो हो रहा, और वापस से चलते हैं इसमें। तो हाइड लाइक्स का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अपने लाइक्स वगैरह हाइड कर सकते हैं, तो वो वाला सीन यहाँ से आप देख सकते हैं। थिंग्स सेटिंग्स आल्सो अप्लाई टू थ्रेड्स, यानी कि ये इंस्टाग्राम में ओपन हुआ है और ये कह रहा है कि सेम सेटिंग आपकी थ्रेड्स में भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो कुछ सेटिंग ऐसी हैं दोनों की जो कि मर्ज हैं, अगर आप इंस्टाग्राम में ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो थ्रेड्स ऐप में भी ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक चीज है। और मैं यहाँ पे आपको दोस्तों ये सारी सेटिंग खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आप अकाउंट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे टेक ए ब्रेक का ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छा है, जिसमें अगर आपको लगता है कि आपको आदत ना पड़ जाए चलाने की तो आपको क्या कर सकते हैं, इसमें 10 मिनट कर सकते हैं, तो हर 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन आपसे बोलेगी कि आप ब्रेक लीजिए, 10 मिनट आपको हो चुके हैं, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। डीएक्टिवेट प्रोफाइल में जाएंगे तो अपने प्रोफाइल को आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, है ना, वो परमानेंट डिलीट या फिर डीएक्टिवेट नहीं होगा, कुछ टेम्प्रेरी होगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए हो जाएगा, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके इंस्टाग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आप नॉर्मली एज इट इज चला सकते हैं। ठीक है, नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह चीज़ें हैं तो वो आप देख लीजिएगा, बाकी प्राइवेसी में सिर्फ इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है। और अभी एप्लीकेशन नहीं है तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है, अपने भाई को फॉलो कर लीजिएगा, टेकन रोकी डाल के थ्रेड्स पे सर्च कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे है ना, इनके FAQ में ये लिखा हुआ था कि अगर आप लोग डिलीट करते हैं अपने थ्रेड्स ऐप को तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा, यानी कि डिलीट नहीं करते सकते सेपरेट, जिसके बाद में इंस्टाग्राम टीम की कमेंट आई, उन्होंने बताया कि हम इसके अंदर बहुत जल्द अपडेट लाएंगे, जिसके बाद में अगर आप अपने थ्रेड्स ऐप के अकाउंट को डिलीट करते हैं तो आपके इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं होगा। तो ये काफ़ी कमाल की बात है, लेकिन फिलहाल अभी अपडेट नहीं आया, तो आप अपने
थ्रेड्स ऐप के अकाउंट को डिलीट ना करें, करना है तो डीएक्टिवेट करें, अगर डिलीट कर देंगे तो आपके इंस्टाग्राम का अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर करना, आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट तक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।